लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया 594 का न्यू ऑफर। 21 जुलाई से टेलीकॉम जगत में फिर से खलबली। रिलायंस जियो कंपनी के कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से टेलीकॉम जगत में हलचल मचाने के लिए बहुत ही शानदार तथा धमाकेदार ऑफर प्रस्तुत कर दिया है। रिलायंस जियो कंपनी ने शुरू से ही अपने ग्राहकों को फ्री तथा सस्ता इंटरनेट दिया है, लेकिन इस बार जियो कंपनी ने 180 दिनों की वैलिडिटी वाला धमाकेदार ऑफर लॉन्च कर दिया है। रिलायंस जियो कंपनी द्वारा अपने इस ऑफर की कीमत सिर्फ 594 रखी है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि जियो का यह ऑफर कब से तथा किन ग्राहकों को मिलेगा। रिलायंस जियो कंपनी का यह नया ऑफर लगभग 21 जुलाई से टेलीकॉम मार्केट में धमाका मचाने के लिए तैयार होगा। रिलायंस जियो कंपनी के इस नए ऑफर में जियो ग्राहकों को प्रतिदिन 500 MB 4G स्पीड डेटा दिया जाएगा। उसके बाद भी जियो ग्राहक 64 KBPS स्पीड से अनलिमिटेड डेटा का आनंद ले पाएंगे। रिलायंस जियो कंपनी के इस नए ऑफर में जियो ग्राहकों को लोकल और STD सभी नेटवर्क ऑपरेटर पर कॉलिंग की सुविधा बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। यही नहीं, जियो के इस रिचार्ज ऑफर में SMS की सुविधा भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। रोमिंग की बात की जाए तो इस ऑफर में रोमिंग की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। रिलायंस जियो कंपनी का यह नया ऑफर जियो फोन मानसून ऑफर के तहत 500 में मिलने वाले जियो फोन के साथ में मिलने की जानकारी सामने आई है। मतलब कि सिर्फ जियो फोन ग्राहकों के लिए जियो का 594 का ऑफर मिलेगा, जिसके तहत अब जियो फोन ग्राहक सिर्फ 594 में 180 दिनों के लिए इंटरनेट तथा कॉलिंग की सुविधा का आनंद उठा पाएंगे। जियो के इस प्लान से जियो फोन ग्राहक काफी खुश होंगे। रिलायंस जियो कंपनी शुरू से ही सस्ते इंटरनेट तथा कॉलिंग फ्री की वजह से टेलीकॉम जगत में प्रसिद्ध है। बाकी कंपनियों ने रिलायंस जियो कंपनी को देख कर ही कॉलिंग और इंटरनेट की कीमतें कम की है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रिलायंस जियो कंपनी की वजह से ही डेटा तथा कॉलिंग फ्री हो पाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि रिलायंस जियो कंपनी का यह न्यू ऑफर आपको कैसा लगा। आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।